चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुके चंद्रयान 2 से एक और बड़ी खबर आई है। भारत का चंद्रयान 2 दिन ब दिन चांद के नजदीक पहुंचता जा रहा है, जहां उसने चंद्रमा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें ली हैं। टेरेन मैपिंग कैमरे से ली तस्वीरें, साथ ही वो भारतीयों को हर वो जानकारी भी दे रहा है जो उनको चांद का दीदार करवा सके। इस बार चंद्रयान 2 ने चांद की सतह से 4375 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीरें क्लिक की हैं। इसरो ने चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरा 2 से खींची गई चांद की सतह की बेहद शानदार तस्वीर साझा की हैं। इन तस्वीरों में कई क्रेटर्स को भी चिन्हित किया गया है। तस्वीर में जैक्सन, मच, कोरोलेव और मित्रा जैसे क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि क्रेटर मित्रा का नाम प्रोफेसर सिसिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। 21 अगस्त को भी क्लिक की थी तस्वीरें। इससे पहले चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को तस्वीरें क्लिक की थी, जिनमें मरे ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर्स को चिन्हित किया गया था। इस बार और नजदीक से लिए गए फोटो में जैक्सन, मार्च, मित्रा और कोरोलेव क्रेटर्स को देखा जा सकता है। इसमें के जैक्सन क्रेटर का व्यास 71.3 किलोमीटर बताया गया है। ये सभी तस्वीरें 23 अगस्त को क्लिक की गई हैं। 4 अगस्त खींची थी धरती की तस्वीरें। इससे पहले इसरो ने 4 अगस्त को चंद्रयान 2 की ओर से भेजी गई पृथ्वी की तस्वीरें शेयर की थी। उस वक्त तक सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक तस्वीरें आ गई थी, लेकिन चंद्रयान 2 की तस्वीरों ने सबका दिल बाग बाग कर दिया। 7 सितंबर को होगी चंद्रयान 2 की लैंडिंग। जब चंद्रयान 2 चांद की सतह के समीप पहुंचेगा, तो उसमें से लैंडर विक्रम की स्पीड तेजी से कम की जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लैंडर विक्रम एक पत्थर की तरह चांद की सतह पर गिर सकता है और क्रैश हो सकता है। चंद्रयान 2 से चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग तक के पूरे समय में करीब 15 मिनट लगेंगे, जो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे भारी रहने वाले हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 90 डिग्री के झुकाव के साथ सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है, जो अब तक किसी ने नहीं की है। इसरो प्रमुख ने कहा कि 7 सितंबर को रात 1:55 पर लैंडर 22.8 डिग्री पूर्वी अंश के साथ चंद्र मध्य रेखा के 71 डिग्री स्थल पर उतरेगा, लेकिन ये एक डराने वाला क्षण होगा। लैंडर से ऐसे अलग होगा रोवर। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 4 घंटे का समय लगेगा। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बाहर आएगा। 14 दिन यानी कि 1 लूनर डे के अपने जीवन काल के दौरान रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। ये चांद की सतह की तस्वीरें और विश्लेषण योग्य आंकड़े इकट्ठा करेगा और इसे विक्रम या ऑर्बिटर के जरिए 15 मिनट में धरती को भेजेगा। ऐसे काम करेगा रोवर प्रज्ञान। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक एक्टिव रहेंगे। 27 किलोग्राम का रोवर 6 पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। इसका नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है ज्ञान। रोवर प्रज्ञान चांद पर 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर तक घूम सकता है। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद कर सकता है। इसकी कुल लाइफ 1 लूनर डे की है, जिसका मतलब पृथ्वी के लगभग 14 दिन होता है। बेहद खास है चंद्र मिशन। ये भारत का दूसरा चंद्र अभियान है। 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 की मदद से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। 2008 में भारत ने ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 को भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है। चंद्रयान 2 से इस दिशा में नए प्रमाण जुटाए जाने की उम्मीद है।